नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और आप देख रहे हैं स्वाइप इलाइट सेंस का पूरा रिव्यू। इस रिव्यू से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि यह हैंडसेट कितना अच्छा परफॉर्म करता है और इसमें क्या क्या कमियां हैं। मैंने इस हैंडसेट का अनबॉक्सिंग का वीडियो पहले ही कर दिया था, अगर आप वो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी डिज़ाइन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हैंडसेट बहुत ही आकर्षक है। यह हैंडसेट आपको मेटालिक फील देता है और इसमें एक ग्लॉसी लेयर भी है जो आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से चमकता है कुछ कुछ एंगल से, तो दिखने में ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी हुई है। इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है और अगर आप वो कैमरा का एरिया देखें तो वहाँ पर भी एक अच्छा सा टेक्स्चर दिया हुआ है। इस हैंडसेट में आप देख सकते हैं कोई भी चुभने वाला हिस्सा नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है और इसका वेट जो है वो है 146 ग्राम्स। आजकल स्क्रीन के ऊपर 2.5D कर्व्ड ग्लास आते हैं लेकिन इसके ऊपर 2.5D कर्व्ड ग्लास नहीं है। ये है पावर बटन, उसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर और ये है 3.5mm ऑडियो जैक। दूसरे साइड में आप देखेंगे यहाँ पर है सिम ट्रे, डुअल सिम ट्रे, और इसके यहाँ पर नीचे है माइक्रो यूएसबी पोर्ट और ये छोटी सी बिंदु आप देख रहे हैं ये है माइक्रोफोन, और पीछे वाले भाग में ये है स्पीकर वेंट्स। इस हैंडसेट पे नेविगेशन बटन्स है और वो लाइट अप भी होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इस हैंडसेट के पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है। आप देख सकते हैं मैं इस हैंडसेट को अनलॉक कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट के ज़रिए। बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। ये हैंडसेट क्वाडकोर पावर्ड है, स्नैपड्रैगन 425 का चिपसेट यूज़ कर रहा है और स्क्रीन जो है वो 5 इंचेस का है, IPS स्क्रीन है HD रेजोल्यूशन के साथ में। स्क्रीन क्वालिटी की अगर बात करें तो इस हैंडसेट को आप रेडमी फ़ोन्स के, कोई भी रेडमी फ़ोन के साथ में रख दीजिए, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि रेडमी का जो स्क्रीन क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। स्वाइप इलाइट सेंस डुअल सिम हैंडसेट है, आप एक माइक्रो सिम यूज़ कर सकते हैं और एक नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, या आप एक माइक्रो सिम यूज़ कर सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं माइक्रो सिम यूज़ कर रहा हूँ और एक नैनो सिम यूज़ कर रहा हूँ जो जियो का है, 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है और आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं दोनों ही सिम स्लॉट्स में। लेकिन अगर आप 4G एक सिम स्लॉट में यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे स्लॉट में आपको 3G या 2G यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप सिम कार्ड डाल दें फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। आप देख सकते हैं ये रिलायंस जियो सपोर्ट करता है और मैं रिलायंस जियो से डायरेक्ट फ़ोन कॉल भी कर सकता हूँ। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैक बॉर्डर है, किसी किसी को ये अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन ये नॉर्मल है। इलाइट सेंस में वाईफाई है, ब्लूटूथ है, GPS है। इसमें 3GB रैम है, आपको तकरीबन 1.3GB एवरेज रैम मिलेगा, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। और इसमें 32GB इंटरनल स्टोरेज है, आपको तकरीबन 22GB मिलेंगे। अगर आप चाहें तो माइक्रो SD कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नया सेटिंग है स्नैपड्रैगन ऑडियो प्लस, लेकिन इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं महसूस हुआ ऑडियो में। ये हैंडसेट OTG सपोर्ट नहीं करता है, मैंने एक पेन ड्राइव अटैच किया है और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, OTG काम नहीं कर रहा है। LED नोटिफिकेशन है, अगर आपने कोई मैसेज या कॉल मिस किया है तो ये LED नोटिफिकेशन ब्लिंक करने लगेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका कैमरा कैसा परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑटो HDR, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और इत्यादि, और आपको FX के भी ऑप्शन मिलेंगे इस कैमरा इंटरफेस में। ब्यूटी मोड भी है और चलिए सेटिंग्स में जाते हैं। मैं सेटिंग्स में जाता हूं और देख सकते हैं कि आप 13 मेगापिक्सल में फ़ोटो खींच सकते हैं। आगे वाला जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, ये है 8 मेगापिक्सल, और ये हैंडसेट फुल HD वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज का मतलब ये है कि स्क्रीन पे आपको फ़ोटो अच्छे दिखेंगे लेकिन जब आप उसे जूम करने की कोशिश करेंगे तो वो इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। ये फ़ोटो फ्रंट कैमरे से लिया हुआ है और ये फ़ोटो पीछे वाले कैमरे से लिया हुआ है। इस हैंडसेट से मैंने फुल HD वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। मैं ये वीडियो स्वाइप इलाइट सेंस हैंडसेट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल HD रेजोल्यूशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, स्टिल कैमरा के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है और फोकसिंग भी इसका काफ़ी फास्ट है।
आजकल सारे स्मार्टफोन्स वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब स्टिल कैमरा की बात आती है तो काफ़ी वहाँ पर मार खा लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये हैंडसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का क्वाड कोर का चिपसेट यूज़ करता है, 64 बिट का चिपसेट है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, एंटीटू स्कोर है 36,000 के आसपास और इसका जो 3D स्कोर है वो 2,500 के आसपास है। ये एक क्वाड कोर हैंडसेट है, उसके हिसाब से ये स्कोर इतना बुरा नहीं है। चलिए कुछ गेम्स खेलते हैं, उससे हमें बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये है बुलेट फोर्स गेम और ये गेम को मैं खेलने वाला हूँ अल्ट्रा ग्राफिक्स क्वालिटी मोड में। अल्ट्रा मतलब बहुत ही हाई ग्राफिक्स मोड में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गेम काफ़ी स्मूथ है, थोड़ा सा लैग है इसमें जो कि काफ़ी लोगों को दिखेगा भी नहीं, लेकिन आप इस गेम को काफ़ी आसानी से खेल सकते हैं। आपको कोई भी किस्म का एक कहते हैं ना कि एक रुकावट आता है, वो नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा गेम है। जो कोई भी फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका नाम है बुलेट फोर्स। तो ये गेम इस हैंडसेट पे काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। चलिए कुछ दूसरा गेम ट्राई करते हैं। इस बार मैं खेलने वाला हूँ एसफॉल्ट 8 और ये गेम मैं खेलने वाला हूँ हाई क्वालिटी मोड में। ये भी बहुत अच्छा और पॉपुलर गेम है और इस हैंडसेट पे ये बहुत ही स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। इसमें बहुत ही मामूली सा लैग है, किसी किसी को वो दिखेगा, किसी किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ये गेम खेल रहे हैं और आपको महसूस होता है कि आपको गाड़ी का कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, उस वक्त आप इसका जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो आप कम कर सकते हैं। मैं इस गेम को हाई रेजोल्यूशन में खेल सकता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कार का कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। जब आप इस हैंडसेट पे कोई हैवी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, जैसे कि ये गेम आप खेल रहे हो, तो हैंडसेट हीट अप होता है, लेकिन इस हैंडसेट में जो टेम्परेचर रीडिंग है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है कुछ कारणवश। मैंने काफ़ी एप्लीकेशन ट्राई किए हैं लेकिन वो टेम्परेचर रीडिंग वैसे की वैसी है। इस गेम को तकरीबन मैंने 20 मिनट खेला और उसके बाद में जब मैंने यहाँ पे हाथ लगाया तो ये थोड़ा सा गर्म था। मेरे ख्याल से बैटरी टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री तक होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है, सब हैंडसेट्स में ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस हैंडसेट की साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छी है, लाउड और क्लियर है। मैंने रिलायंस जियो सिम इस्तेमाल किया था और मुझे उसमें कोई नेटवर्क का इश्यूज़ नहीं आया। बैटरी की अगर बात करें तो इस हैंडसेट में 2500 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी है। उसे चार्ज करने के लिए मुझे 3 घंटे लगे और फुल चार्ज पे इस हैंडसेट को आप लगातार 3 से 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडरेट से हैवी यूसेज के तहत। तो देखा जाए ये हैंडसेट अच्छा है, लेकिन Redmi 3S और Redmi 3S Prime इस हैंडसेट से काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप स्क्रीन की बात करें तो Redmi 3S और 3S Prime का स्क्रीन इससे काफ़ी अच्छा है। अगर आप कैमरा की बात करें तो Redmi 3S और 3S Prime का कैमरा इससे काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी Redmi 3S और 3S Prime काफ़ी आगे हैं। सेंसर्स की बात करें तो इस हैंडसेट में जायरो सेंसर्स और मैग्नेटिक सेंसर्स नहीं हैं, जो Redmi 3S और 3S Prime में है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो Redmi 3S और 3S Prime में ज़्यादा बैटरी है। और बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो Elite सेंस में मुझे मिला 3 से 6 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज, और अगर यही चीज़ आप कंपेयर करें 3S Prime में तो वहाँ पर मुझे मिला था 7 से 10 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज। ये एक अच्छा हैंडसेट है, लेकिन जहाँ तक हो सके आप Redmi 3S या Redmi 3S Prime लेने की पहले कोशिश करें। एक लकी विनर को मैं ये हैंडसेट गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसमें ज़रूर भाग लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।